हिजबुल्ला और इसराइल का वार पलटवार खतरनाक रूप लेता जा रहा है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर हावी होने के लिए जोरदार हमला बोल रहे हैं। इजरायली सेना लेबनान पर हवाई हमलों के साथ साथ जमीन से भी धावा बोल चुकी है। हिजबुल्ला लड़ाके भी इजरायली हमलों का माकूल जवाब देकर युद्ध की आग को लगातार बढ़ा रहे हैं। ऐसी आशंका जताई जाने लगी है कि इजरायल का लेबनान में जमीनी ऑपरेशन का फैसला गलत साबित होता नजर आ रहा है। हिजबुल्ला ने अपने हमलों को धार देकर इजरायली शहरों तक को दहलाना जारी रखा है। इस सिलसिले में हिजबुल्ला के कामिकेज ड्रोन के स्क्वाड्रन से राजधानी तेल अवीव के बाहरी इलाकों पर हमला किया गया। समूह ने बताया कि लड़ाकों ने इजरायल को सबक सिखाने के मकसद से जोरदार हमला किया। इजरायली सेना ने हिजबुल्ला के ताजा ड्रोन हमले को नाकामयाब बताया। सेना ने कहा कि सीमा पार करते ही दो ड्रोनों पर नजर रखी गई और लड़ाकू विमानों ने उनमें से एक को मार गिराया, मगर हिजबुल्ला ने दावा किया कि ड्रोन हमले से इजरायल को काफी नुकसान पहुंचता है। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए फुटेज में इजरायली शहर की इमारतों के ऊपर एक ड्रोन को उड़ते हुए देखा गया। हालांकि अब तक इसकी सटीक पुष्टि नहीं हो पाई है। प्रेस टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक हाइफा शहर के पश्चिम में केरियत एलियेजर में इजरायली एयरबेस, इन मार्गालियट मिलिट्री बेस, केरन नफ्ताली में संचार बेस और गोलान हाइट्स में होउमा बेस को रॉकेट बैराज, ड्रोन स्क्वाड्रन और तोपखाने के गोले से निशाना बनाया गया है। हिजबुल्ला ने इसराइल की पैदल सेना को भी निशाना बनाने का दावा किया, जो रामिया पोजीशन से लेबनान में घुसपैठ की कोशिश कर रही थी। लड़ाकों ने एक गाइडेड मिसाइल से हमला किया। इससे बड़ी संख्या में इजरायली बलों को नुकसान पहुंचने का दावा किया गया है। हिजबुल्ला लड़ाकों ने पूर्वी लेबनान में अल मर्ज गांव के पास इजरायली सैनिकों के जमावड़े को रॉकेट बैराज से निशाना बनाया। बाद में लड़ाकों ने इजरायली ठिकानों पर रॉकेट से बमबारी करने का दावा किया। समूह ने इसराइल पर तब तक हमले करने की कसम खाई है जब तक इसराइल गाजा और लेबनान में हमलों को रोक नहीं लेता। इस बीच इजरायली सेना ने कथित तौर पर उत्तर मध्य सीमा पर जारीत, सोमेरा, स्टूला, नेटोवा और इवन मेनाचेम की बस्तियों को मिलिट्री साइट घोषित किया। इन इलाकों में आम लोगों के भी घुसने पर रोक लगा दी गई है। माना जा रहा है कि यहां से इसराइल को अपने ऑपरेशन चलाने में बड़ी मदद मिलेगी। वहीं हिजबुल्ला के एक यूएवी ने हरजलिया रिटायरमेंट होम पर निशाना बनाया। इससे बड़े नुकसान का दावा तो जरूर किया गया है, मगर किसी के हताहत होने की खबर नहीं सामने आई। इस बीच इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में अपना जमीनी ऑपरेशन जारी रखा। लेबनान के और ज्यादा गांवों को खाली करने का आदेश दिया गया है। इजरायली सेना हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को जड़ से खत्म करने के चलते जबरदस्त एक्शन मोड में है। बीते दिनों इसराइल पर दर्जनों रॉकेट दागे जाने की बात सामने आई, जिसमें हाइफा, सफद और कई उत्तरी इजरायली शहरों में अलर्ट सायरन बजा। इस दौरान हिजबुल्ला ने कहा कि समूह की प्राथमिकता दुश्मन को हराना और उन्हें हमला रोकने के लिए मजबूर करना है, मगर वो हमले को रोकने के लिए किसी भी कोशिश के लिए तैयार है। तेल अवीव तो केवल शुरुआत है, इसराइल ने अभी तक बहुत कम देखा है।